नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉग्स पर। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ ईश्वर की कृपा से। तो गाइज, आज का मेरा ब्लॉग है ये आपके लिए काफ़ी ही स्पेशल है। जो बागबान भाई मेरे इस ब्लॉग को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं इसके लिए आपको आज के ब्लॉग में ये बताना चाहता हूँ, जो शेड्यूल वाइज जो स्प्रे होती है, जो एप्पल स्प्रे होती है, वैसे तो 7 स्प्रे हम करते हैं बेसिकली, जो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। तो उसके अलावा अगर हम कर सकते हैं और तो वो बेहतर है, क्योंकि काफ़ी बागवान भाई परेशान रहते हैं कि हम कौन सी स्प्रे कब करें और कैसे करें। खास करके जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस स्प्रे के लिए आप काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई कौन सी स्प्रे हम कब करें और किस बीमारी के लिए कर रहे हैं। तो गाइज़, इसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आगे बताना चाहता हूँ और आपने इसको अच्छी तरह से देखना है, काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो गाइज़, अंत तक मेरी वीडियो देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना। और साथ ही अगर दोस्त इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो गाइज़, चलते हैं, आपको बताते हैं आज के जो इस स्प्रे के बारे में, स्प्रे शेड्यूल के बारे में बताता हूँ आपको, किस तरह से कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो गाइज, जो आज की स्पेशल स्प्रे है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वैसे इसलिए की जाती है, जो हमारे जो सेब का आकार जब होता है, अखरोट के आकार का, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे अखरोट के आकार के जब हमारे सेब का जो साइज बनता है, तो तब काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी स्प्रे इस समय करें, इसमें कौन सी स्प्रे होनी चाहिए। मैं आपको बता दिया मैंने कि जब इस आकार के अगर सेब का जो साइज़ होता है, तो इसमें एक बीमारी लगनी शुरू हो जाती है, जो हमारे स्केल और स्कैब के नाम से जाना जाता है, और माइट भी जिसे कहते हैं, माइट की भी काफ़ी कंप्लेंट आती है इसमें। तो माइट की कंप्लेंट और स्केल और स्कैब को रोकथाम के लिए, तो उसमें ये स्प्रे हमारी आज होनी ज़रूरी है, जो मैं इसके बाद आपको आगे डिटेल वाइज बताने जा रहा हूँ। तो इसको आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, आपको इंटरेस्टिंग काफ़ी लगेगी इसमें, देख लेना आपने अगर अच्छी लगी। आपको बताना चाहता हूँ उन बागबान भाइयों के लिए ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि जो ये ल्यूजिम 45 कंपनी का नाम है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मैनकोजेब पूछेंगे, बोलेंगे स्पेशल जो हॉर्टिकल्चर वाले वो आपको देंगे मैनकोजेब, और मैनकोजेब आपकी ऑप्शनल में, आप प्रोपिनेब भी इसमें यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरे एक ड्रम की पैकिंग होती है, पूरे ड्रम में लगेगा, तो ये पूरे एक ड्रम 200 लीटर की जो ड्रम है उसमें ये पूरा पैकेट की पैकिंग जो होती है इसमें लग जाएगा। तो हम इसको इसमें यूज़ करेंगे और इसका घोल करेंगे, पूरा 200 ml का है, तो इसमें कोई दवाई ना बचे, तो इसके लिए मैं फिर से इसको वॉश करूँगा दवाई के साथ। तो गाइस, ध्यान से इस वीडियो को देखना आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उन बागबान भाइयों के लिए जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं अपनी दवाई को लेके कि हमें इस समय कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, तो जब हमारे सेब का आकार इस समय अखरोट का हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे को स्प्रे उस समय यही करनी चाहिए मैनकोजेब। तो दोस्तों, ये है हमारा जो कीटनाशक, और कीटनाशक की मात्रा क्वांटिटी हमारी होनी चाहिए, ये हमारी 200 ml होनी चाहिए। तो 200 ml के लिए मैं यहाँ पे चेक करूँगा इसमें जो क्वांटिटी का, ये क्वांटिटी जो है ये तो 60 ml तक की है। अब हम बताते हैं आपको 60 ml कब पूरी करनी है, ये कितने ढक्कन इसमें पड़ने चाहिए। ये हमारा 60 ml कीटनाशक हो गया मिक्स इसके साथ, मैनकोजेब के साथ। ये हमारा 60 × 120 हो गया, अब ये 60 × 3, ये आप मान सकते हैं ये 180 हो गया। मैं हमने अब क्या करना क्या है, अब सिर्फ 200 ml पूरी करने के लिए हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 ml और डालनी है। तो गाइस, हम देख सकते हैं यहाँ पे 20 ml हो चुकी है, ये 200 ml इसका क्वांटिटी हो गया। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसके साथ मिक्सर जो हमारा स्टिकर पड़ता है, हमारा जो गोंद पड़ता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। ये भी हमारा 200 ml पड़ना चाहिए। तो गाइस, ये हमारा 200 ml, इसमें भी हम उतना ही क्वांटिटी डालेंगे जितने हमने कीटनाशक की डाली थी। ये हमारा दूसरा ढक्कन हो गया, और ये हमारा तीसरा ढक्कन हो गया, और हमें अब 20 ml और डालनी है, क्योंकि हमारा जो ये
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा 60 ml का है, इसलिए हमें ये 3 ढक्कन डालने पड़े और 20 ml और डालनी पड़ी। तो गाइस अब मैं अब आगे आपको बताता हूँ, इसको हम घोलेंगे। आप किसी भी कोई भी इसके लिए कोई लकड़ी लेके आओ, कोई इसमें के लिए अगर आपके पास कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है तो उससे आप, मेरे पास तो फिलहाल वो उसकी सुविधा नहीं है तो मैं इसी से काम चला लेता हूँ। इसका घोल करेंगे, तो दोस्तों जिसके बारे में आपको बता रहा था मैं, और जो बीमारी इसमें लगती है तो उसको रोकने के लिए हम जो स्प्रे आज कर रहे हैं, जो आपको बता रहा था मैं, मैनकोजेव की जो स्प्रे हो रही है, कीटनाशक प्लस उसमें स्टिकर मिक्स करेंगे। तो ये थी वो आज की स्प्रे, और ये इसके लिए करी जाती है इसमें कि ताकि ये जो हमारा इसमें जो कई बार बीमारी के लक्षण दिख जाते हैं इसमें, शायद अभी तो नहीं है, नॉर्मल है, मगर इसमें बीमारी लग सकती है तो फिर ख़राब हो जाते, तो इसमें फिर उसको रोकना भी काफ़ी मुश्किल होता है। उसकी रोकथाम के लिए हमें इसका छिड़काव करना होता है। वैसे ये इस साल की 2021 की सेब की फसल है। तो गाइज कैसी लगी आज की वीडियो, कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप में से कोई नए इस चैनल पे होंगे, अगर मेरे दोस्त कोई नए होंगे ये चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।